नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको अक्षर रचना पुस्तिका में पेज नंबर 28 करवाऊंगी। प्यारे बच्चों, ये कौन सा व्यंजन है? ट। कौन सा व्यंजन है ये? ट। मेरे साथ बोलेंगे व्यंजन ट। ट टमाटर, ट टब। फिर से बोलेंगे ट टमाटर, टब। प्यारे बच्चों, आपने टब में रंग भरने हैं। अब हम बनाना सीखेंगे। ट कैसे बनाना है? आपने छोटी सी रेखा लगा के ऐसे आधा गोला बनाना है। छोटी सी रेखा लगा के आधा गोला बनाना है यहाँ पर। फिर छोटी सी रेखा बना के आधा गोला बनाना है। फिर आपने यहाँ पर शिरोरेखा लगानी है, फिर खड़ी रेखा, फिर आधा गोला। ये कौन सा व्यंजन है? ट। प्यारे बच्चों, आप जब भी लिखोगे बोल कर लिखोगे। कैसे लिखना है आपने? शीरो रेखा, खड़ी रेखा, आधा गोला, व्यंजन ट। क्या बोलना है आपने? ट। खड़ी रेखा छोटी सी, छोटी सी लगानी है। इस लाइन तक आपने नहीं मिलाना। छोटी सी रेखा लगा के ऐसे आपने आधा गोला बना देना है। ये क्या बन गया? ट। फिर से शीरो रेखा, छोटी सी रेखा लगा के यहाँ पर आधा गोला बना देना है। क्या बन गया? ट। ये व्यंजन ट बनाना है आपने। अब तीन लाइनों में आपने कैसे लिखना है? प्रिय अभिभावकगण, अगर आपका बच्चा समर्थ है कि वो एक डॉट पे बना लेता है तो आप उसको एक सिंगल डॉट दीजिए। अदरवाइज़ वो नहीं बना पाता तो आप उसको दो डॉट दे सकते हैं या दो बिंदु दे सकते हैं। छोटी सी रेखा लगानी है, आपने लाइन तक नहीं मिलाना। छोटी सी लगा के फिर आपने आधा गोला बना देना है। ये क्या बन गया? व्यंजन ट। छोटी सी रेखा लगा के फिर ऐसे आधा गोला लगा देना है। कौन सा व्यंजन बन गया? ट। ये आपने ये चार लाइनें इसकी व्यंजन ट की करनी है पूर्ण। धन्यवाद।